हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फ्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज के प्रश्न है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम से। स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र से इस समय बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, विशेषकर स्केलेटल सिस्टम से, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट फाइबर्स एंड उपास्थि, कंडरा, लिगामेंट, ये सबसे क्वेश्चंस भर भर के पूछे जा रहे हैं। एंड हड्डियों से संबंधित जो विकृतियां हैं, पोस्टर डिफॉर्मिटीज हैं। तो दोस्तों, ये बीपीएससी टीजीटी 2023 आपका एग्जाम जल्द ही नवंबर के अंत तक हो जाएगा। जैसा कि बिहार या स्टेट 2023 का जो रिजल्ट है 3 और 4 तक 100% आ जाएगा। एंड यह केवल ये सारे क्वेश्चंस बस बीपीएससी टीजीटी 2023 के लिए ही नहीं है, अदरवाइज सभी अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी एंड एलटी एंड केवीएस एनवीएस यूजीसी नेट सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, बीपीएससी जो 2023 है, इसका प्रिपरेशन आप जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए और डेली बेसिस से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, विशेष ध्यान दीजिए। एंड क्योंकि टाइम नहीं है, ये आपके एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप खोइए मत। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, हड्डियों की कोमलता को कहते हैं सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स इज कॉल्ड। तो हड्डियों की कोमलता को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। जैसा कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया दोनों आपके हड्डियों से संबंधित ही रोग हैं और विटामिन बी की कमी से हो जाता है। एंड जिसमें से हड्डियों की कोमलता वाला जो रोग है वो ऑस्टियोमलेशिया से रिलेटेड है। ऑस्टियोमलेशिया का अर्थ होता है नरम हड्डियां। ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों को कमजोर कर देती है और उन्हें अधिक आसानी से तोड़ने के कारण बन जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो आपको ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट का मतलब होता है अस्थि निर्माण की प्रक्रिया। अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं एंड अस्थियों के विघटन की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो दोस्तों, यह परिमाण एवं आकार के आधार पर, यानी कि क्वांटिटी एंड शेप के आधार पर हड्डियों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जैसे कि फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिसमॉइड बोन। जिसमें से लॉन्ग बोन में आपका, या लॉन्ग बोन जो होते हैं लंबे हड्डियां लीवर का काम करती हैं, और हाथों पैरों जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीबर, टिबिया, फिबुला आदि में होती हैं। जैसे कि जो लॉन्ग बोन में ही अस्थि मज्जा पाया जाता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं, जो लंबी हड्डियां के खोखले भाग होती हैं, वो हाइवर्सियन गुहा उसे कहा जाता है, जिसके अंदर अस्थि मज्जा होती है, जिसमें से रक्त का निर्माण होता है। एंड ये खोखली हड्डियां अधिक बोझ उठाने में मदद करती हैं एवं हल्की होती हैं, याद रखिएगा। दूसरा होता है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन आपका जैसे कि हमारे रिस्ट एंड कलाई पर और एंकल पर, जैसे कि टार्सस एंड कार्पस हड्डियां पाई जाती हैं। एंड चौड़ी हड्डियां, फ्लैट बोन जो है 3 परत की होती हैं। एंड इसमें आपका इस हमारे ब्रेन की सुरक्षा करती हैं एंड हमारे हृदय आदि को सुरक्षा करती है। जैसे कि चपटी हड्डियां, फ्लैट बोन में हमारा कपाल हो गया, पसलियां हो गया एंड स्केपुला हो गया, ये चपटी हड्डियां आएगा। चौथा होता है इरेगुलर बोन, यानी कि बेरोल, अनियमित, अव्यवस्थित, जैसे कि चेहरे की कुछ हड्डियां और रीढ़ की हड्डियां इरेगुलर बोन के अंतर्गत आती हैं। पांचवा होता है सिसमॉइड बोन, जिसे टेंडन में विकसित होने वाली, जोड़ों के आसपास गुजरने वाली जोड़ होती हैं, जैसे कि घुटने, हाथ पैरों, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है घुटना, ये सिसमॉइड बोन का सबसे अच्छा उदाहरण है, घुटने का जोड़, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑसिपिटल अस्थि कहाँ स्थित है? तो ऑसिपिटल अस्थि जो है वह स्थित है खोपड़ी में। वेयर इज द ऑसिपिटल बोन लोकेटेड? तो इन द लोकेटेड या इन द स्कल, यानी कि खोपड़ी में। यानी हमारी खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां हैं। खोपड़ी में कुल कितने हैं? स्कल में, पूरे खोपड़ी में तो 29 हड्डियां होती है, लेकिन उसमें जो क्रेनियल होता है हमारा, तो क्रेनियल बोन 8 होती हैं और 14 आपके चेहरे में होती हैं और एक आपका हाइड बोन होता है। तो ये ऑसिपिटल बोन होती है क्रेनियल में, बट यहाँ खोपड़ी दिया है तो खोपड़ी भी आप देंगे, यानी खोपड़ी के अंतर्गत ही आएगा। तो इसमें 8 हड्डियां होती हैं, जिसमें से फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों यानी कि बोन का अध्ययन किया जाता है, और मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत, जोड़ का अध्ययन आर्थोलॉजी के अंतर्गत, तंत्रिका का अध्ययन, अभी याद मुंह पे नहीं आ रहा है दोस्तों, तंत्रिका का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी। नेक्स्ट पेराइटल अस्थि स्थित है, तो पेराइटल अस्थि भी आपका खोपड़ी में ही स्थित है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजी फॉर्म शब्द किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये हमारे हाथ की हड्डियां, हाथ में जो कार्पल एंड टार्सस, मेटाकार्पल जो हड्डियां होती हैं उसमें से, मेटाकार्पल में 5 हड्डियां होती हैं जिसमें से फ्यूजी फॉर्म भी होती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, वेयर इज द टर्म फ्यूजी फॉर्म रिलेटेड टू, यानी किस प्रकार के पेशी से रिलेटेड है? यह अस्थि पेशी है कि हृदय पेशी है, चिकनी पेशी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? अस्थि पेशी, तो यहां पे आपका राइट हो जाएगा अस्थि पेशी, यानी कि कंकाल पेशी से संबंधित है। किससे? स्केलेटल मसल्स, ऐच्छिक पेशियों से रिलेटेड है फ्यूजी फॉर्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टर्नम स्थित है, वेयर इज द स्टर्नम लोकेटेड? स्टर्नम जो हमारी पसलियां होती हैं हमारी छाती यानी वक्ष पर, 12 जोड़ी पसलियां दोनों तरफ 12 होती हैं, उसके बीच में एक मोटी हड्डी होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। तो वह कहाँ पे होती है? तो वह होती है छाती में, यानी कि इन द चेस्ट। नेक्स्ट, स्केपुला अस्थि स्थित है। स्केपुला जो हमारे कंधे के ऊपर पाई जाती है, कंधे के थोड़ा पीछे पाई जाती है स्केपुला, तो ये स्केपुला हड्डी जो है कंधे पर पाई जाती है। तो यहाँ पे ये वेयर इज द स्केपुला बोन लोकेटेड, या हमारी ऊपरी पश्च में यानी कि अपर बैक में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट है, कुल्हे का जोड़ वर्गीकृत है। तो दोस्तों ज्वाइंट 3 प्रकार के होते हैं, चल संधि, अचल संधि, अर्धचल संधि, जिसमें से जो हमारा कुल्हे का जोड़ है यह सभी दिशाओं में गति करता है, यह हमारा हो जाएगा बॉल एंड साकेट ज्वाइंट, जिसे हम हिंदी में कल्लू खलिका संधि भी बोलते हैं। तो जुम्हारे हमारे कंधे का ज्वाइंट और कुल्हे का ज्वाइंट दोनों आता है आपका कंदुक खलिका संधि, यानी कि बॉल एंड साकेट ज्वाइंट्स के अंतर्गत। चल संधि 6 प्रकार की होती हैं। पहला है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जो एक हड्डी दूसरे पर फिसलती है, जैसे कि कार्पल और टार्सस जोड़। दूसरा बॉल एंड साकेट ज्वाइंट, जिसमें हड्डी का एक सिरा, गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप के सिरे में फंसा रहता है और सभी दिशाओं में गति होता है, जैसे शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। एक होता है हिंज ज्वाइंट, जिसे कब्जा संधि, कोर संधि भी बोलते हैं, इसमें एक तल में गति होता है एक ही दिशा में, जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है उसी तरह, जैसे कि नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड अंगुलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़, ये आपका हिंज ज्वाइंट में आता है। चौथा होता है कॉर्डिलाइड ज्वाइंट, जिसमें 2 तल में गति होती है,
जैसे कि हमारा रिस्ट यानी कलाई का जोड़। एंड पांचवा होता है पीवट ज्वाइंट, जिसमें सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, यानी एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी में नुकीले सिरे पर घूमता है, जैसे हमारे सिर की गति। एंड रेडियस अल्ना के ऊपर प्रोनेशन एंड सुपेनेशन का गति होता है। छठवां होता है सैडल ज्वाइंट, जिसमें परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि होती है, यानी किसी भी दिशा व तल में गति होती है, जैसे हमारा अंगूठा प्रत्येक अंगुली के सामने जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कब्जा संधि का उदाहरण है? कब्जा यानी कि हिंज ज्वाइंट का उदाहरण अभी मैं जस्ट बताई हूँ सभी का एग्जाम्पल। तो विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हिंज ज्वाइंट? तो हिंज ज्वाइंट हमारे कोहनी के जोड़, घुटने के जोड़, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़, इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा? यहाँ पे राइट आंसर है कंधा नहीं होगा, कंधा हमारा शोल्डर एंड बल एंड सैकेट ज्वाइंट होगा। टखना हमारा सैडल ज्वाइंट होगा, यहाँ पे राइट आंसर है नी, यानी कि यहाँ पे नी यानी कि घुटने का ज्वाइंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर गर्डल में हड्डियां होती हैं। देर आर बोन इज द शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल में हड्डियां होती हैं, तो यहाँ पे कौन सा हड्डी होगा आपका? शोल्डर हमारे कंधे में स्कैपुला होता है और क्लेविकल यानी जो हसली होता है, जो स्टर्नम होता है, उससे हड्डी निकल करके हमारे स्कैपुला से जुड़ती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लेविकल एंड स्कैपुला। नेक्स्ट है, दो पार्श्विक हड्डियों के बीच के जोड़ को कहा जाता है। दो पार्श्विक हड्डियों के बीच के जोड़ को व्हाट आर द ज्वाइंट्स बिटवीन टू लेटरल बोन कॉल्ड? दो पार्श्विक हड्डियों के जोड़ को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है सेजिटल सूचर। जैसे कि तीन प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, अचल संधि, चल संधि, अर्धचल संधि। अचल संधि में हमारा खोपड़ी आता है, जिसमें कोई गति नहीं होती है, और खोपड़ी के ज्वाइंट्स को सूचर ज्वाइंट भी कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के इसमें सूचर हैं, सेजिटल सूचर, क्रोनल सूचर एंड लैम्बोइड सूचर। दो पार्श्विक हड्डियों यानी कि पैराइटल हड्डी का जोड़ इस कहा जाता है। एंड अचल संधि में आपका सिंडेमोसिस यानी कि एंटीरियर टिबुला फिबुला ज्वाइंट भी आता है। एंड गोम्फोसिस, पेग एंड साकेट ज्वाइंट जिसे कहते हैं, दांतों का ज्वाइंट भी आता है। दूसरा होता है, हम अचल संधि को फाइबर्स ज्वाइंट, कॉर्टिलेजियस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। अचल संधि को हम क्या क्या कहते हैं? अचल संधि को बोला जाता है फिक्स ज्वाइंट, फाइबर ज्वाइंट्स, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट बोलते हैं। एंड अर्धचल संधि को सिल्टली मूवेबल ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट आदि नामों से जाना जाता है। एंड चल संधि को फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे मैंने आपको तीनों ज्वाइंट्स को याद करने का यहाँ पे ट्रिक एक बार बताया था, डी ए एस, मतलब चल, अर्धचल, अचल। चल संधि को डायर्थ्रोसिस, डी से डायर्थ्रोसिस बोला जाता है। एंड अर्धचल संधि को एम्फियार्थ्रोसिस बोला जाता है। एंड एस से अचल संधि को साइनोथ्रोसिस बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इथेमोइड हड्डी संबंधित है। तो इथेमोइड हड्डी जो है वो नाक में होती है। कहाँ पे होती है? नाक में। इथेमोइड हड्डी नाक से संबंधित है। यह बेतरतीब हड्डी है जो क्रेनियल भाग के फर्श के ऊपर और अगले भाग नाक के पास, नाक के बीच की दीवार तथा नाक की दत्त को बनाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कान की अस्थियां कौन सी हैं? तो कान की अस्थियों को याद करने का ट्रिक है यम आई एस, मिस, यानी कि मीलस। कान की हड्डियों का कौन कौन कान की हड्डियां हैं? मैलिस, इनिकस, स्टेपस। यम से मैलिस, आई से इनिकस, एस से स्टेपस।
तो सबसे कान की सबसे हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस कान की। तो इसमें कौन कौन सी कान की हड्डियां हैं? स्टेपस है, इनिकस है, इलियम नहीं है। तो यहाँ पे ए एंड बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में वक्षीय कशेरुकाएं कितनी होती हैं? तो मानव शरीर में जो वक्षीय कशेरुकाएं होती हैं, हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती हैं, तो वक्षीय कशेरुकाएं जिसमें होती हैं, यानी कि हाउ मैनी थोरेसिक वर्टिब्रल आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो वक्ष में वक्षीय कशेरुकाएं होती हैं 12। कितनी होती हैं वक्षीय कशेरुकाएं? वक्षीय कशेरुकाएं होती हैं 12, यानी कुल कशेरुकाएं आपका 35 होती हैं, जिसमें से थोरेसिक सर्वाइकल जो होती है वो 7 होती हैं, गर्दन की कशेरुका, एंड जो थोरेसिक होती हैं वक्ष की कशेरुकाएं 12 होती हैं, जो कट यानी कि लंबर कमर भाग की 5 होती हैं, और सेक्रल जो है 5 होती हैं, वयस्क होने पर ये पाँचों मिलकर 1 हो जाती हैं, एंड कॉक्सीजियल जो है 4 होती हैं, वयस्क होने पर ये भी जुड़कर 1 हो जाती हैं। इस प्रकार वयस्क होने पर कुल 26 वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डियां बचती हैं, जबकि बच्चों में 33 पाया जाता है, वयस्क में 26 पाया जाता है। नेक्स्ट है सभी साइनोवियल संधियां हैं। साइनोवियल, साइनोथ्रोसिस नहीं कह रहा है, थाइनोथ्रोसिस, साइनोथ्रोसिस कहेगा तो अचल संधि हो जाएगा। साइनोवियल क्योंकि घुटने जोड़ों पर क्या होता है, साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है, जिसके कारण जो हड्डियां है घिसती नहीं है, लुब्रिकेट बना रहता है। तो साइनोवियल संधियां जो होती हैं वो सचल यानी कि चल संधि के कहा जाता है, मूवेबल ज्वाइंट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है कपाल अस्थियां उदाहरण हैं। क्रेनियल बोन आर एग्जाम्पल्स। तो अभी आपने देखा था कि परिमाण एवं आकार के आधार पर 5 भागों में बांटा गया था, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन एंड फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिस्टमॉइड बोन। तो इसमें से कपाल की हड्डियों को मैंने क्या बताया था, फ्लैट बोन, ठीक है, फ्लैट बोन आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि गाउटी अर्थराइटिस का कारण है, गॉइट इज द कॉजेज ऑफ अर्थराइटिस। तो गाउटी अर्थराइटिस का कारण क्या है? तो इसका कारण है इंक्रीज इन सीरम यूरिक एसिड, यानी सीरम यूरिक एसिड का बढ़ना ही गाउटी अर्थराइटिस का कारण है। जैसे घुटने, टखने, कोहनी, अंगूठे तथा उंगलियों में दर्द होता है, इसमें यह अतिरिक्त सीरम यूरिक एसिड 2 जगहों से आता है, शरीर द्वारा उत्पादित और आहार से, शरीर द्वारा उत्पादित होता है और आहार से। किसी भी अतिरिक्त यूरिक एसिड आमतौर पर फिल्टर के माध्यम से गुर्दे द्वारा निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों, हिंज ज्वाइंट का अच्छा उदाहरण है। तो हिंज ज्वाइंट का अच्छा उदाहरण है घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़, उंगली का जोड़, यानी कि नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, फिंगर ज्वाइंट, ये सभी के सभी आपका हिंज ज्वाइंट यानी कब्जा संधि का उदाहरण है। ऑल ऑफ द एबव आपका उपरोक्त सभी राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जाइगोमेटिक हड्डी किसमें मौजूद है? तो जाइगोमेटिक बोन इज प्रेजेंट इन, तो किसमें मौजूद है दोस्तों? तो जाइगोमेटिक हड्डी जो है वह खोपड़ी में है, स्कल में, यानी हड्डी जो है जाइगोमेटिक खोपड़ी में है, मानव खोपड़ी में जाइगोमेटिक हड्डी, जिसे चिक बोन या मलार बोन भी कहते हैं, याद रखिए चिक बोन या मलार बोन। एक जोड़ी अनियमित हड्डी होती है जो मैगजिला, टेम्पोरल बोन, स्फेनॉइड बोन और ललाट की हड्डी से जोड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन के माध्यम, पार्श्व विचलन को किसके माध्यम से मापा जाता है? तो पार्श्व विचलन यानी कि लेटरल डिविएशन, लेटरल डिविएशन इन स्पाइनल कॉर्ड इज मेजर्ड थ्रू, यानी किसके द्वारा मापा जाता है? तो पार्श्व विचलन को स्कोलियोसिस बोला जाता है। और स्कोलियोसिस में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है, यानी कि हिप दूसरे तरफ और ऊपर कंधे दूसरे तरफ मुड़ जाते हैं, और इसी को स्कोलियोसिस बोला जाता है। एंड
यह इसी को मापने का किसके या किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसे मापा जाता है स्कोलियोमीटर। किससे मापा जाता है? स्कोलियोमीटर। एंड यहाँ पे गोनियोमीटर दिया है, तो गोनियोमीटर आपका लचीलापन मापता है, डायनेमोमीटर आपका स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों प्रथम कशेरुका होती है। जैसे कि हमारे कशेरुकाओं में पहले सर्वाइकल ब्रेन 7 होती हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है एटलस, दूसरा एक्सिस होता है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, द फर्स्ट वर्टिब्रा इज कॉल्ड, तो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है आपका एटलस। कौन होता है बेटा? एटलस। नेक्स्ट, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर किन में आम बात है? ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर इज कॉमन इन, तो किस में आम बात है? तो बच्चों में होता है, इसमें टूटती नहीं है, हड्डियां मोड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के मांसपेशी संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कोई जोड़ या अंग गति नहीं होती है? तो क्वेश्चन सुनते ही आपने आंसर दे दिया होगा। Which type of muscles contraction causes no change in muscles length and no joint or limb movement? तो इसका राइट आंसर होगा आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन, आइसोमेट्रिक संकुचन। जैसे कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने की 3 विधियां हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोटोमेट्रिक में आइसो मतलब सेम और मेट्रिक मतलब लंबाई, यानी सेम लंबाई होता है, तनाव बना रहता है, जैसे दीवार को धक्का मारना। दूसरा होता है आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है बट पेशियों की लंबाई छोटी बड़ी होती है, जैसे डंबल्स अभ्यास। कंसेंट्रिक इसेंट्रिक दो प्रकार का होता है, कंसेंट्रिक में पेशियों की लंबाई छोटी होती है, इसेंट्रिक में बड़ी होती है। तीसरा होता है आपका आइसोकाइनेटिक, जो सेम गति होती है, ये मशीनों के द्वारा किया जाता है ज़्यादातर पानी वाले खेलों में, जैसे कि तैराकी, रोइंग आदि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील संधि संबंधित है। कील संधि यानी इमूवेबल ज्वाइंट इज रिलेटेड टू, तो कील संधि यानी कि यहाँ पे अचल संधि की बात कर रहा है। तो अचल संधि को हम फिक्स ज्वाइंट, फाइबर ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फाइबर ज्वाइंट यानी तंतु संधि। कील संधि किससे संबंधित है? तंतु संधि, जो मुख्य रूप से कोलेजन से मिलकर घने संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं। इन जोड़ों को स्थिर या अचल जोड़ भी कहा जाता है, क्योंकि वे स्थानांतरित नहीं होती। तंतु संधि में कोई संयुक्त गुहा नहीं होता और तंतु संयोजी ऊतक के माध्यम से जुड़े होते हैं। एंड खोपड़ी की संधियों को फाइबर्स ज्वाइंट या सूचर ज्वाइंट कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।